मनोज सिंह काका मुस्कुरा रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण टेरिटरी और बड़ा तकलीफ देह है कि इस देश के किसान को वोट बैंक में जब तब्दील किया जाता है। 8.5 लाख किसान हैं आपके राज्य के, जिन्हें मार्च में 2000 रुपए मिल चुके होंगे, मार्च तक, चुनावी घोषणा उस समय तक हो चुकी होगी। इस देश का किसान वोट बैंक बनकर रहेगा, 27 रुपए हर दिन कमाएगा। गरिमा, सबसे पहले तो इस देश के 70% तबके की तरफ से आपको साधुवाद कि आपने इस विमर्श को भी उठाया है। इस दौर में भी जहां धार्मिक उन्मादी दौर चल रहा, उस दौर में भी आपने किसानों के विमर्श को उठाया है। एक लाइन है छोटी सी कि कीमत तो बहुत बढ़ गई धान की, पर बेटी विदा ना हो सकी किसान। मैं तो स्वयं किसान का बेटा हूं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से माननीय अखिलेश यादव जी के संपर्क में आने पर हम लोग आपसे संवाद कर पाते हैं। हल्कू की जो फसल है आज भी नीलगाय नहीं उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशु खा रहे हैं। आज भी पूछ की रात में जो किसान रूपी जो हल्कू है वो आज भी अपने खेतों में सो रहा है। और जो सरकार, कितनी सरकार, अब एक और लाइन है अदम गोंडवी की कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। मैं सरकार के सिर्फ एक योजना का बात कर रहा हूं। आपने कहा कि 68,000 करोड़ रुपया सरकार ने किसानों को दिया, और लिया कितना ये सुनिए। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2016 से लेके 2022 तक, उसके तहत रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी, आईसीसी लुम्बार्ड और जितने सारे इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, उन इंश्योरेंस की कंपनियों ने इस देश के किसानों से 1.97 लाख करोड़ रुपए वसूला। क्या प्रीमियम? कितना? 1.97 लाख करोड़ रुपया। उसके बरक्स देनदारी कितना हुई? 1.40 लाख। नहीं मनोज, लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर आऊं। सुन तो लीजिए, सुन तो, अरे गरिमा सुनिए तो, कहिए। 57,000 करोड़ का सिर्फ एक स्कीम से सरकारी कंपनियों का फायदा हुआ। आपने एनएसएसओ का आंकड़ा दिया, सबके लिए आप कानून बना सकते हैं, लेकिन 750 किसान शहीद हो गए। जिस देश के जीडीपी में, मैं जो खत्म कर रहा हूं, जिस देश के जीडीपी में एक समय में सबसे ज्यादा योगदान एग्रीकल्चर का हुआ करता, जिस देश की स्वतंत्रता का आंदोलन चंपारण कृषि आंदोलन से शुरू किया कुछ गांधी ने, तब जाके हम स्वतंत्र हुए। 1917 में शुरू किया, 47 में खत्म हो गया साहब, और वो कृषि आंदोलन और नील के खेती पर था। तो मनोज आप ये कह रहे हैं, अब मजदूर हो रहा, एमएसपी का मुद्दा मनोज आप उठा रहे हैं। एक सेकंड, ठीक है, मेरे साथ गुणी प्रकाश भी है जो एमएसपी कमेटी के ही मेंबर है। तो गुणी प्रकाश, क्या ये विपक्ष जो कह रहा है कि C2+50% लागू होगा तो किसानों का वेलफेयर हो सकता है, सच बात है, सही है ये? कर्मा जी, सबसे